तो अभी अगला श्लोक। अष्टांग हृदय अध्याय 12, दोष वेदी अध्याय, श्लोक क्रमांक 24, श्लोक क्रमांक 24। मिला 12वां अध्याय, अष्टांग हृदय 12वां अध्याय, दोष वेदी अध्याय, श्लोक क्रमांक 24। मिला श्लोक क्रमांक 24। पढ़ू? मिला आपको श्लोक? हाँ सर। तो चय प्रकोप प्रशमा वायो ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणाः शिशिरादिषु। आपका माइक इसका चालू है, बंद किए तो भी चलेगा। तो इन्होंने बोला है कि चय प्रकोप और प्रशम, ये जो है वायु हो, वायु का जो है ग्रीष्मादिषु त्रिषु, ग्रीष्मादि जो तीन है आगे के, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा, ग्रीष्म वर्षा और शरद, तो इस प्रकार से ग्रीष्म वर्षा और शरद ये जो है वो वायु का चय प्रकोप और प्रशम है। मीन्स चय जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होगा, प्रकोप जो है वो वर्षा में होगा, और प्रशम जो है वो शरद में होगा। वर्षादिषु तु पित्तस्य, और वर्षा जी जो तीन ऋतु है वो पित्त का क्या है, चय प्रकोप और प्रशम है। वर्षा में पित्त का चय होगा, शरद में वर्ष पित्त का प्रकोप होगा, और क्या, हेमंत में वर्षा का, हेमंत में पित्त का क्या होगा, प्रशम होगा। और श्लेष्मणाः शिशिरादिषु, हाँ, शिशिर वसंत और कृष्ण, शिशिर वसंत, शिशिर और शिशिर में कफ का क्या होगा, चय होगा, वसंत में प्रकोप होगा, शिशिर वसंत और ग्रीष्म में कफ का जो है वो प्रशम होगा, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब सर्वांग सुंदर टीका। वातस्य ग्रीष्मादिषु त्रिषु यथा संख्यम, जैसे जिस प्रकार से संख्या है, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इसी क्रम से जो है यथा संख्यम चय प्रकोप प्रशमः जायन्ते, चय प्रकोप और प्रशम जो है होता है। ग्रीष्मे वायोः चयः वर्षासु कोपः शरदि प्रशमः इति। ग्रीष्म में वायु का चय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है, शरद में प्रशम होता है। एवं अग्रे अपि योज्यम्, आगे का भी जो है वर्ष पित्त का और कफ का जो है उसी प्रकार जानना चाहिए। वर्षादिषु इति, वर्षादिषु इत्यादि, वर्षादिषु वर्षा का और बाकी का शिशिर का भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। तत्रापि त्रिषु इति वर्तते, इसीलिए हमने तीन तीन इस प्रकार से बोला है। वर्षा शरद हेमंतेषु त्रिषु पित्तस्य चय कोप प्रशमः भवन्ति। वर्षा शरद और हेमंत ये तीन में पित्त का चय प्रकोप प्रशम होता है। तथा शिशिरादिषु, शिशिरा शिशिरादि तीन में, जैसे शिशिर वसंत ग्रीष्मेषु, इसमें क्या होगा, श्लेष्मणाः चय प्रकोप प्रशमा भवन्ति, श्लेष्म का चय प्रकोप प्रशम होता है ना। अभी देखो, अभी वायु का चय है, बराबर है, अभी का जो ऋतु है वायु का चय है। अभी इस ऋतु में अगर कोई श्वास का रुग्ण आपके पास आया, हाँ, और उसके हेतु आपने ढूंढे, उसमें थोड़े फार वात प्रकोप के भी हेतु मिले आपको, तो श्वास का अगर रुग्ण आपके पास आया इस ग्रीष्म में, तो जो वो श्वास होगा वो वात प्रधान श्वास होगा। क्योंकि ये जो ग्रीष्म है वो कफ का प्रशम है करने वाला है, और ये जो ग्रीष्म है वो वायु का चय करने वाला है। तो इस चय काल में अगर थोड़े भी वात
प्रकोप के हेतु मिले, ज्यादा नहीं थोड़े, क्योंकि पहले से ही चय है, थोड़ा उसने रनिंग ज्यादा किया उस बच्चे ने, या फिर उसने कुछ रुक्ष आहार विहार सेवन किया, या फिर लंघन आदि कुछ किया, तो इसमें अगर श्वास का रुग्ण आया या फिर कोई भी रुग्ण आया, कोई भी व्याधि का आया, तो उसका प्रधान दोष जो है वो वात लेना चाहिए, युक्ति प्रमाण से, काल प्रमाण से, काल के काल का विचार करके, बराबर है ना। क्योंकि ये जो सीजन क्या है, ये जो ऋतु है वायु का चय है, तो थोड़ा थोड़े भी हेतु जो है वो वात का प्रकोप करने वाले होंगे। भले आपको लक्षण कभी पित्त के दिखेंगे, पाद दाह दिखेगा, भले आपको लक्षण कुछ चक्कर जैसे दिखेंगे, भले कुछ पित्त के लक्षण दिखेंगे थोड़े बहुत, तो ये जो लक्षण होंगे वो परतंत्र प्रकोप होगा, स्वतंत्र प्रकोप जो है वो वात का होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये ऋतु जो है इनका, इनकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। जब आप फोन पर कंसल्टेंसी करते हो, फोन पर केस लेते हो, तो ये ऋतु का विचार करना चाहिए। थोड़ा सा हेतु अगर मिल गया जिस ऋतु में, जिस दोष का चय है, उस दोष का थोड़ा बहुत भी हेतु मिल गए और आपको व्याधि दिख रही है, तो वो उस दोष के प्रकोप की व्याधि है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे वसंत में अगर श्वास का पेशेंट आ गया, तो आपको कफ प्रधानता देखनी है, आपको जो कुछ दवाई देनी है वो कफ की, बाकी का भी विचार करना है, पर ऋतु का विचार करके मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है कफग्न दवाइयां देनी है। पर अगर इस ऋतु में अगर आ गया कोई श्वास का रुग्ण, तो आपको वात शमन की दवाइयां देनी है, वात अनुलोमन की दवाइयां देनी है, अगर प्रतिलोमित अगर वात हुआ तो अनुलोमन की दवाई देनी है, दशमूलारिष्ट देना है, दशमूल देना है, पुष्कर मूल देना है, यष्टि देनी है, जो कुछ देना है, स्निग्ध उष्ण वातानुलोमन, इस प्रकार के द्रव्य जो है आपको इस ऋतु में देनी है। ठीक है, समझ में बात आ रही? तो इसी प्रकार बाकी का भी जानना चाहिए आपको, कि जैसे शरद ऋतु में अगर शरद या फिर शरद के पहले का वर्षा, वर्षा ऋतु में अगर कोई रुग्ण आया है और वो बता रहा है कि मुझे दाह हो रहा है, अति स्वेद प्रवर्तन हो रहा है, तृष्णा धिक्य दिख रहा है, या फिर कुछ त्वचा विकार इस प्रकार का दिख रहा है कि जिस पर अरक्त वर्णीय इस प्रकार का त्वचा विकार है, तो हेतु अगर देखोगे तो थोड़े भी हेतु आपको अगर पित्त के लगे, उसने आचार खाया है, कुछ उष्ण खाया है, गरम मसाला ज्यादा थोड़ा बहुत खाया है, तो ये थोड़ा बहुत हेतु जो पित्त के है, और अगर काल पित्त का चय का हो तो क्या होगा, उस समय पित्त का प्रकोप होगा, तो उस समय पित्त का विचार करना है। समझ में बात आ रही है? इस प्रकार से काल का विचार करना है आपको। ठीक है, आगे जाओ। आवाज आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, बाकी का भी विचार है, पर अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से काल का विचार करना है, चाहे वो कफ हो, वसंत में अगर आपके पास पेशेंट आए तो कफ प्राधान्य का विचार करना है। इस प्रकार से कभी कभार केस हिस्ट्री लेते समय कुछ मिलता नहीं, दोष प्रकोप नहीं मिलते, कुछ चीजें नहीं मिलती, तो कभी कभार चय पूर्वक प्रकोप रहता है, कि पहले के ऋतु में चय हुआ है, फिर अभी अभी अब वर्षा आएगी और आपको वात के पेशेंट दिखाई देंगे, तो उन्होंने कुछ वात के आहार विहार नहीं लिया होता है, फिर भी दिखते हैं, क्योंकि ये ऋतु के अनुसार चय पूर्वक प्रकोप रहता है। तो वर्षा में अगर आ गया उस वात व्याधि का पेशेंट, तो उसको वात की चिकित्सा देनी है। इस प्रकार से। और दूसरी चीज है कि दवाइयों की मात्रा, जब जब ये विचार अगर हम करते हैं, तब उस ऋतु में, अगर देखो ये वात का अभी जब वर्षा आएगी तो वात के प्रकोप की ये आएगी, और उसमें अगर आपके आवाज आ रहा है,
आवाज आ रहा है? हाँ तो देखो, अभी वर्षा ऋतु है और इस वर्षा ऋतु में आपके पास कुछ स्थूल रुग्ण आ गया और उसका वजन कम करना है आपको इस प्रकार से। तो वो पहले से ही वर्षा ऋतु में आया है, वात के प्रकोप के ऋतु में आया है। तो जो लेखनीय द्रव्य देने पड़ेंगे आपको, जो लेखनीय द्रव्य आप वसंत ऋतु में देने वाले हो, जो लेखनीय द्रव्य आप हेमंत ऋतु में देने वाले हो, इस ऋतु में उसकी मात्रा कम करनी है आपको, है ना? क्योंकि ऋतु के अनुसार ही पहले ही वात प्रकोप होने वाला है, पहले ही उसका वजन कम होने वाला है, बराबर है? तो उस ये विचार करके भी, ऋतुओं का विचार करके भी औषधों की मात्रा जो है कम करनी रहती है, ठीक है ना? तो ये सभी विचार ऋतुओं का करना है, ठीक है? सर, हा पॉइंट जरा हाईलाइट करा ना, म्हणजे कळलं नाही. म्हणजे तुम्ही म्हणताय की समजा वसंत ऋतूमध्ये कफ झाला आहे आणि तो बोला। म्हणजे वसंत ऋतूमध्ये कफ झाला आणि तो ह्याचा कफाचा म्हणजे प्रकोपाचा काळ आहे, बरोबर. मग तेव्हा मात्रा म्हणजे हाँ मात्रेतच वही द्यायचं तो। की कमी द्यायचं? आता देखो, वसंत में कफ 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 व्याधि कोई हुई है, कास हुआ है, हाँ पूरा पूरा भरा है श्लेष्म से, इस प्रकार से वसंत में हुआ है तो पहले से ही ऋतु प्रकोप का है। उसने अगर हेतु कफ के किए होंगे, कफ वृद्धि के, तो उसकी चिकित्सा जो है वो वमन ही होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि काल के अनुसार, हेतुओं के अनुसार वही कफ बढ़ाने वही जो रुग्ण है, हाँ, जिसका कफ बढ़ा है, वही रुग्ण अगर ग्रीष्म में आ गए आपके पास, हाँ, या फिर वही रुग्ण जो है आपके पास वर्षा में आ गया, तो वमन ये चिकित्सा नहीं करनी है हम। तो हमें क्या करनी है? तो कुछ कफ शामक वो जो है उपचार करने हैं। क्यों? क्योंकि ऋतु जो है वो वात प्रकोप का है, ठीक है ना? हाँ हाँ, सर. ऋतु जो है, जिस जो जो ऋतु जिस जिस दोष का प्रकोप का है, उस व्याधि को वो बढ़ाएगा उसी उसी समय, ठीक है ना? कफज व्याधि हो, वो वसंत में आ गया तो व्याधि बल ज्यादा है। कफज व्याधि अगर वर्षा ऋतु में आ गई तो व्याधि बल कम है वो कफ का, बराबर है? हाँ, अच्छा, तो मात्रा भी बदलती है ऐसे बोलना है बदलेगी फिर ना, जो. बदलेगी ना, हाँ, दोष दोष अनु मतलब अनुबंधी काल के अनुरूप दोष का भी तभी विचार मन में आना चाहिए, ऐसे आना आप बोल रहे चाहिए, हो. आना चाहिए। और ये हाँ, आयुर्वेद यस, की नहीं एक, ये आयुर्वेद का ही एक क्या है, एक कंसेप्ट है. सुंदरता है जो बाकी की पैथी में नहीं है। पैरासिटामोल बदलेगी नहीं ग्रीष्म वर्षा इसके अनुसार, हालांकि बदलनी चाहिए, है ना? ग्रीष्म में पैरासिटामोल का डोज कम दिया तो भी चलना चाहिए, चलता है, ठीक है? पर ये जैसे अक्टूबर हीट में अगर एंटासिड खानी तो ज्यादा खाओ, बाकी के ऋतु में कम खा सकते हो, तो ये ऐसा बदलता नहीं। हमारे इसमें जो है ये ऋतु का विचार है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है हमारा। तो इसीलिए फिक्स डोज प्रोटोकॉल ये इसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ऋतु बदलते हैं, है ना? अगर कुछ आपने वेट वेट लॉस का कुछ फॉर्मूला बनाया हो, कुछ ऐसा बनाया हो, तो एक मिनट है, फोन उठाता हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आवाज आ रहा है? प्रोटोकॉल नहीं होता ऐसे बोल हाँ, रहे थे आप. प्रोटोकॉल नहीं होता, ठीक है? तो आपने वो वेट लॉस का अगर फॉर्मूला कुछ बनाया है, कुछ बनाते हैं ना लोग, ये कैप्सूल बनाते हैं, ये कुछ बनाते, कुछ भी, तो वो फॉर्मूला का डोज एटलीस्ट वर्षा ऋतु में कम होना चाहिए, है ना? हेमंत शिश्रादि ऋतु में उसका डोज ज्यादा होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना? वही डोज हेमंत शिशिर का जो डोज है, वही डोज अगर आपने वर्षा ऋतु में दे दिया तो वात प्रकोप हो जाएगा रुग्ण का। एक तो वजन झट से कम हो जाएगा और नहीं तो वात प्रकोप में जाएगा, बराबर है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जाऊं आगे। ये क्यों बता रहा हूं कि ग्रंथ में जो कुछ छोटे छोटे श्लोक है सूत्र स्थान में, वो सब जो है क्लिनिकली क्लिनिकल है, क्लिनिकली उसका इम्प्लीकेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि हमको लगता है यार ये ग्रंथ का है, ये नहीं करना है, ये नॉन क्लिनिकल है, ऐसा नहीं है, सब कुछ जो है वो क्लिनिकल ही है। तो इसीलिए हर श्लोक जो है इम्पोर्टेंट है।
आगे जाऊं? समझ में आया ये इधर तक? आया कि नहीं आया? तो हाँ सर, ये वात का बोला, उसी प्रकार कफ का, पित्त का, सभी का। ठीक है। तो इसीलिए कभी पूछते ना मात्रा कह देनी, ऐसे नहीं फिक्स मात्रा नहीं है, है ना? ऋतु के अनुसार मात्रा बदलेगी हर एक की। तो आयुर्वेद रसायन हिमाद्री की टीका, चयादिनाम कालम आह चय प्रकोप प्रशमा इति। तो ये चयादि काल है, चय प्रकोप और प्रशम इति। वायो हो ग्रीष्म चय वर्षा सुकोप शरदी प्रशम। पित्तस्य तु वर्षा सुचय शरदी प्रकोप हेमंते प्रशम। श्लेष्मण शिशिरे चय वसंते प्रकोप ग्रीष्म प्रशम। अभी देखो, अभी इस सीजन में आपके पास जो कुछ वात व्याधि के पेशेंट आने वाले हैं, आ रहे होंगे, तो याद रखो कि आप अभी दवाई दे रहे हो वात शमन की। पर बारिश होने के बाद वही पेशेंट आपको बोलने वाला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरी व्याधि और बढ़ गई। आपने तो दे दी पर मुझे और पेनिंग हो गया, और पेनिंग हो रहा है। इस प्रकार की कंप्लेंट्स आएगी और आप ये हो जाओगे, अरे वही दवाई तो मैं पिछले महीने भी आपको दी थी, उस समय तो आपको अच्छा लगा है ना, तो अभी क्या हुआ? तो अभी ये हुआ। अभी क्या हुआ? वर्षासु प्रकोपः। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो पेशेंट को ये हम बोलते हैं, पेशेंट को जब जाते तो अभी ठीक है, पर जब बारिश पड़ेगी, हाँ बादल आएंगे, तो आपका वात प्रकोप बढ़ेगा। तो ये इसके ऋतु के कारण बढ़ा है, मैंने कुछ दवाई में कुछ कम नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनको लगता है ना कभी कभी दवाई कम दी या फिर कम पोटेंसी की दी, ऐसा कुछ लगता है उनको, तो उनको बोलना कि ये इसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा अगर आपको काल मिले तो बहुत अच्छा होता है कि ऋतु के अनुसार ही शम हो जाता है। ऐसा अगर मिला मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब अगर वात का पेशेंट है और वो वात का पेशेंट आपको वर्षा के लास्ट में, लास्ट वर्षा के लास्ट लास्ट इसमें आ गया, शरद के प्रारंभ में आ गया आपके पास। वात का पेशेंट जो है आपको शरद के प्रारंभ में आपके पास आ गया, आपने दवाई दी, तो बाद में शरद ऋतु जब होता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रशम हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, ऋतु का प्रभाव होता है, तो वो क्रेडिट ज्यादा आपको भी मिल जाता है। तो वर्षा के लास्ट में जो अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी व्याधि की, किसी टैम्पलेट कर ये करते हो या फिर सोशल मीडिया पर ऐड करते हो, तो इस प्रकार से किए तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वर्षा के लास्ट में वात प्रकोप वात व्याधि की ऐड करनी, कभी भी वो पेशेंट आने चाहिए। तो जब वो पेशेंट आते हैं तो एक महीने के बाद आपका डोज जैसे खत्म भी होता है, वैसा ऋतु भी परिवर्तन हो जाता है और वात का भी प्रशम हो जाता है। इस प्रकार से वो जो युक्ति प्रमाण जो है चिकित्सा में प्रयोग करना रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं बढ़ती, आपको ये भी फैक्टर सब मालूम रहने चाहिए, कौन सी ऐड करना, कौन सी ऋतु में करना। ये भी आपको अगर मालूम पड़ गया तो यही बोल रहा हूँ कि शास्त्र जो है सब कुछ सिखाता है, आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जब जब मन में क्वेश्चन आए कि ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, तो ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ मार्ग दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, प्रैक्टिस कैसे करनी, क्या करना है, पर उस हिसाब से पढ़ो, उसको समर्पित करो पूरा पूरा भाव कि आप ही मुझे मार्गदर्शक हो, तो वो सब कुछ दिखाता है। हाँ, मार्ग। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया प्रैक्टिस के बारे में। ननु मीन्स नो डाउट, मरुतो ग्रीष्मे चयो न युक्ता यतः तस्मिन काले लघु वृक्ष औषधयोः भवन्ति। वो बोल रहे हैं कि नो डाउट, पर मरुत जो है ग्रीष्म में उसका चय होना चाहिए, वो नहीं होता यदि यत
तस्मिन काले, उस काल में यदि हमने लघु रुक्ष औषधि औषध, औषध मीन्स जो कुछ चीजें हैं वो औषध, औषध जो है वो हमने अगर खाई या फिर उसका सेवन किया तो क्या होगा, जो ग्रीष्म में वायु का चय होने वाला है वहां चय नहीं होता, वहां डायरेक्ट प्रकोप होता है ना, तो वहां चय नहीं हो सकता, ऐसे बोल रहे हो, चयो न युक्ता हा। तथा हा, वर्षासु पित्त चयो न युक्ता हा, जलानाम औषधीनाम च अम्ल पाकत्वा, अम्ल पाकत्वात, कि वर्षा ऋतु में पित्त का चय नहीं होता अगर हमने जलानाम मीन्स जल और जो औषधि है, औषधि मीन्स वनस्पति, ये सब कुछ जो है खाने वाली जो चीजें हैं वो जो है वो सभी आम्ल पाक रहती है, और उनका सेवन अगर हमने ज्यादा किया वर्षा में तो क्या होगा, वहां पित्त का चय नहीं होगा, चय नहीं होगा मीन्स डायरेक्ट प्रकोप होगा ऐसे। तथा श्लेष्मणा शिशिरे चयो न युक्ता हा, तदा हा कि आप औषधयश्च स्निग्धाः भवन्ति कालश्च शीतः। तो वो बोल रहे कि श्लेष्म शिशिर ऋतु में अगर हमने घी स्निग्ध खाया, कुछ ठंडा खाया, ऐसा कुछ खाया तो श्लेष्म का चय नहीं होगा। इति कोप एव उपपन्नः, तो इसमें कोप होगा, चय होगा ही नहीं, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो आपने जो पहले ही श्लोक बोला है कि चय प्रकोप प्रशमः वायो ग्रीष्मादिशि कृष, ऐसे तो आपने बोल दिया है, पर हमने इस प्रकार से आहार विहार लिया, इस प्रकार से आहार विहार लिया मीन्स ग्रीष्म में हमने वातवर्धक आहार विहार लिया तो वात का चय नहीं होगा, प्रकोप हो जाएगा। पित्त में भी उसी प्रकार से होगा, वर्षा में पित्त का प्रकोप हो जाएगा और शिशिर में श्लेष्म का प्रकोप हो जाएगा। इति कोपः एव उत्पन्नः इति अस्मिन् पर्यानुयोगः इदम् आह। तो इस प्रकार से पर्यानुयोग मीन्स इस प्रकार से हम इसका आगे प्रश्न पूछेंगे, इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। एक ही चीज को हम ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, आगे इधर तक समझा। इसमें कुछ न समझने की बात नहीं है। हाँ, आगे पढ़ू क्या? चीयते, आपके सामने ग्रंथ है ना, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चीयते, चीयते में संचय, संचय जो होता है वो चीयते लघु वृक्षाभिः औषधीभिः समीरणः तद्विधे देहे कालस्य औष्ण्यान् न कुप्यति। तो क्या बोले हैं कि चीयते संचय हो जाता है लघु वृक्ष वृक्षाभिः औषधि भी समीरणा, लघु वृक्ष इस प्रकार की औषधि जो है इससे क्या हो जाता है, समीरण जो है उसका क्या हो जाता है, चीयते संचय हो जाता है। तद्विधा मीन्स इस प्रकार से हुए हुए देहे उस देह में कालस्य औष्ण्यात् न कुप्यन्ति, काल का जो उष्णता है उस काल की जो उष्णता है वो क्या करती है, न कुप्यति उसको कोप नहीं होने देती, ऐसा वो बोल रहे हैं। अद्भिहिर आम्ल विपाकाभिहिर औषधिभिश्च तादृशम, इसी प्रकार अद्भिहिर मीन पानी, जो अम्ल विपाकी है उस प्रकार की जो औषधि है इनके द्वारा भी तादृशम उस प्रकार से होता है। पित्तम याति चयम कोपम नतु कालस्य शैत्यतः, कि काल का जो शैत्य होने के कारण पित्त का जो है वो कोप नहीं होता। चीयते स्निग्ध शीताभिर उदकौ
औषधीभिः कफः तुल्ये अपि काले देहे च स्कन्नत्वात् न कुप्यन्ति। तो बोला है कि स्निग्धदर्शित ऐसे खाने के बाद भी कफ कफ जो है तुल्य अपि काले उसी समान काल में जो है शीत गुण रहता है और इसीलिए काले देहे च स्कन्नत्वात्, स्कन्नत्वात् मीन्स घनीभूत होता है और इसीलिए कफ जो है वो कोप नहीं होता, ऐसे वो बोल रहे हैं। आगे सर्वांग सुंदर ग्रीष्म काले वातो हो लघु वृक्षा भी वृक्षा भी औषधि विहीर देहे च आदान काल स्वभावात् आदान काल स्वभाव स्वभाव्यात् तद्विदे लघु वृक्षे तद्विदो लघु वृक्षाः। तो ग्रीष्म काल जो है वो आदान काल है और इसमें जो है हम जब लघु वृक्ष ऐसे जो कुछ खाने वाली चीज रहती है वो जो है तो उससे क्या हो जाता है जो काल स्वभाव से जो है शरीर जो है उसमें लघु वृक्ष ये गुण सब बढ़ते हैं। समीरण इति समान गुणत्वात् और वायु जो है इसके समान गुण होने के कारण पवन से कोपः प्राप्तः, पवन का कोप होता है सह निषिद्धते, पर ये कोप नहीं होना चाहिए, ये कोप इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्यों? कालस्य औक्षण्यात् इत्तेन इति अनेन, कि काल जो है वो उष्ण है इसके कारण उष्ण गुण सदैव उसके साथ है, काल के साथ है ना? तो इसीलिए एवं पित्तस्य वर्षासु कोपः न तु कालस्य शैत्यतः इति अनेन निषिद्यते। इसी ऐसे ही पित्त का भी है क्योंकि काल जो है वो शैत्य होने के कारण शीत गुण सदा उसके साथ है, काल के साथ, तो इसीलिए क्या होता है पित्त का कोप नहीं होता। ठीक है, समझ में बात आ रही है? हाँ ना यस सर। ये क्या हो रहा है उन्होंने बोला है अभी पुनरावृत्ति होगी वापिस समझाऊं तो हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आगे जाता हूँ। आयुर्वेद रसायन हेमाद्री, हेमाद्री की टीका। काल नियमे युक्तिम आह चीयते इति ग्रीष्म आहारस्य देहस्य च लघु वृक्षत्वे करोति। तो ग्रीष्म में जो है आहार और देह ये दोनों में जो है लघु और वृक्ष गुण बढ़ते हैं। और ताभ्याम लघु वृक्षो वायुश्चीयते न कुप्यन्ति, और ये दोनों गुण के कारण वायु जो है वो संचय अवस्था में जाता है, न तो कुप्यन्ति, क्यों? उष्णेन प्रतिबद्धत्वात्, उष्ण से वो प्रतिबद्ध हो जाता है, उष्ण गुण उसको रोक देता है कोप होने से। ठीक है, वर्षा काल आहार अम्ल विपाकत्वम करोति। वर्षा काल में आहार का जो है अम्ल विपाक होता है, तेन अम्ल विपाकम पित्तम चीयते, उसे अम्ल विपाक से पित्त का जो है संचय होता है, न तो कुप्यति, उसका कोप नहीं होता। शीतेन प्रतिबद्धत्वात्, शीत से प्रतिबद्ध होता है, कोप होने से रुक जाता है। शिशिरम शिशिर आहारस्य देहस्य स्निग्ध शीतत्वे करोति। शिशिर ऋतु जो है वो आहार और देह को स्निग्ध और शीत कर देता है। ताभ्याम स्निग्धः शीतः कफश्चीयते न तु कुप्यन्ति। तो इस इनके द्वारा जो है स्निग्ध और शीत से कफ जो है संचित होता है, उसका संचय होता है, उसका कोप नहीं होता। शीतेन घृतवत् दधि घृतवत् घनीभूतत्वात्, तो शीत से जैसे घृत जो है वो घनरूप हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में कफ जो है वो घनीभूत हो जाता है, चय अवस्था में जाता है और शीत गुण से वो कोप नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? आगे जाऊं, सिंपल है ये। इति 28वां श्लोक, 12वां अध्याय 28वां श्लोक। इति कालस्भावो अयम आहारादि वशात् पुनः चयादीन चयादीन यान्ति सद्यो अपि दोषः काले अपि वानतु। यही मैंने पहले बोला कि इति कालस्भावो, पहले मैंने एग्जाम्पल जो दिए तो इसका ही ये श्लोक है। इति काल स्वभावो
अयम आहारादि वशात, ये काल स्वभाव जो है अयम आहारादि वशात, ये आहार आहारादि जो चीजें हैं इनसे क्या होता है आहारादि वशात पुनः चयादीन यान्ति, उसमें चय हो सकता है, चयादीन यान्ति, यान्ति मीन्स होता है जाता है इस प्रकार से। सद्यो अपि दोषः, और ये कैसा होता है सद्यो फास्ट होता है, सद्यो अपि दोषः काले अपि वानतु, उस काल का हो या ना हो, जैसे अभी जो है वो ग्रीष्म है, ग्रीष्म में वात का चय है, पर मैंने सुबह से लेकर शाम तक आइसक्रीम खाया, कुछ स्निग्ध खाए, दूध पिया, घृत पिया, इस प्रकार से मैंने कुछ किया, तो क्या होगा वात का, ये कफ का शमन पीरियड है ना, फिर भी मैंने कफवर्धक आहार किया, इसीलिए काले अपि वानतु, काल हुआ न हुआ, कफ का काल है नहीं तो होगा, नहीं तो न होगा, इसमें मुझे कफ का प्रकोप दिखेगा, क्यों, क्योंकि अयम आहारादि वशात पुनः, ये आहार का भी यहाँ रोल है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा है चयादीन यान्ति सद्यो अपि, सद्य फास्ट होगा। सर्वांग सुंदर टीका, इति पूर्वोक्तः अयम वायवादि चयादि कालस्य स्वभावः, काल का स्वभाव, और आहारादि वशात अन्नपान सामर्थ्यात, जो हम खाने वाले हैं पीने वाले हैं उसका उसकी ताकत जो है, पुनर्दोषः सद्यो अपि तत्क्षणादेव कालम कालम अनपेक्षैव, काल का वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, क्यों, क्योंकि अन्नपान उसने उस प्रकार का किया है तो उसको काल का फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हेमंत शिशिर ऋतु है और उसने अगर कुछ कुलत्थ खाया, बहुत कुलत्थ खाया, हाँ अचार खाया, तो वहां पित्त प्रकोप होगा, चाहे वो ऋतु उसका शमन का भी हो तो भी क्या होगा पित्त प्रकोप होगा, क्यों, क्योंकि अन्नपान सामर्थ्य, हाँ ऐसा बोल रहे हैं वो, तो उसमें काल का कुछ रोल नहीं होता फिर, हाँ कालम अनपेक्षैव, काल को वहां उपेक्षा हो जाती है। चयादीन चय प्रकोप प्रशमनाम यान्ति, तो ये क्या होता है उससे चय प्रकोप प्रशम झट से हो जाता है, यान्ति तस्मादेव आहारादिवशात यथा स्वम चयादि काले अपि वा दोषः न तु चयादीन यान्ति, तो इसमें दोष क्या चयादि होते नहीं, जैसे ऋतु के अनुसार होते हैं ना, अभी ग्रीष्म है तो वायु चय है, फिर वर्षा में प्रकोप है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ वो कभी भी कुछ कुछ भी होगा, डायरेक्ट प्रकोप में जा सकते हैं, अगर उस प्रकार के हेतु हो, उस प्रकार का अन्नपान हो, तो जो है डायरेक्ट प्रकोप अवस्था में जाते हैं दोष। तस्मात काल काल आहारादिनाम प्राधान्यम इति अर्थः, तो काल और आहारादि ये दोनों ही प्राधान्य है। कालादि इति अत्र आदि शब्देन रसायन वाजीकरण वमन विरेचनादयो गुरीयन्ते, तो आहारादि मीन्स क्या सभी चीजें, आहारादि शब्दों में रसायन होगा, वाजीकरण होगा, वमन होगा, विरेचन होगा, सभी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। आयुर्वेद रसायन काल आहारादिनाम बलवतम आह इति इति आदि शब्देन आहारो देहश्च सद्योपि स्वकालम विना अपि यान्ति स्वकाले अपि न यान्ति, उसका काल आने दो दोष का या फिर ना आने दो, अगर उस प्रकार का आहार विहार होगा तो उस प्रकार का दोष प्रकोप होगा, ठीक है, ये समझ में आया। आया क्या, हाँ ये समझ में आया ना, आगे यस सर। रसायन वाजीकरण वमन विरेचना दो योग रोयन्ते, मतलब क्या, पंचकर्म है ना, अगर अगर विरेचन देना है मुझे और मैंने पेशेंट अगर शरद ऋतु में आ गया है ना,
तो विरेचन अगर मैंने दे दिया तो क्या होगा, वहां पित्त का प्रशम हो जाएगा, बराबर है ना, होगा कि नहीं? तो पित्त का प्रशम हो जाएगा, हालांकि वो काल जो है शरद ऋतु पित्त का प्रकोप का काल है, पर मैंने क्रिया कौन सी की है, विरेचन की है, तो उस पॉइंट में जो है पित्त का प्रशम हो जाएगा। तो ये बोल रहे, इसलिए बोल रहे ये सभी चीजें मायने रखती है, सिर्फ ऋतु नहीं मायने रखता। ठीक है ना, ऐसा है। एवं दोषाणाम चयादीन प्रदर्श, तो इसी प्रकार दोषों का चयादि देखने के बाद व्याप्ति निवृत्ति वैचित्र्यम कोपजम दर्शयितुम आह। व्याप्ति और निवृत्ति, व्याप्त होना और निवृत्त होना, कम होना, इसमें जो वैचित्र है, इसमें जो विविधता है, कोपजम कोप की दर्शयितुम आह, वो अभी हम बताएंगे आपको। व्याप्नोति सहसा देहम आपादतल मस्तकम निर्वर्तते तु कुपितोमलो अल्पाल्पम जलोगवत। कि ये जो कोप होता है वो कैसा होता है, व्याप्नोति सहसा, सहसा मीन्स सडन, मराठी में सहसा का मीनिंग अलग है, पर संस्कृत में सहसा मीन्स सडन, एकदम झट से। व्याप्नोति सहसा, एकाएकी झटकन वो व्याप्त होता है, कौन, दोष, कौन सा अवस्था में, कोप की अवस्था में। देहम आपाद तल मस्तकम, देह में आपाद, आपाद मीन्स पाद तक और मस्तक तक, मस्तक से लेकर पैर तक, पूरे देह में व्याप्नोति, हाँ, व्याप्त हो जाता है। निवर्तते तु कुपितो मलो, और निवर्तन जिसका होता है, जब कम होता है तो मलो, अल्पाल्पम जलोघवत, जैसे जलोघ मीन्स बाढ़, बाढ़ आना, जैसे बाढ़ आती है तो एक झटके में आ जाती है ना, पता नहीं चलता लोगों को कि क्या सामान मैं लेकर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाऊं, कैसे भागूं, जब तक वो डिसाइड करते तब तक वो बाढ़ का पानी भर जाता है और पूरा घर जाता है पानी में, है ना। तो उसी प्रकार ये जो दोष है, कोप होता है, पता नहीं चलता कब उसका प्रकोप हो गया, और जब प्रशम होता है, जब वो निकल जाती है बाढ़, तब जैसा, तो वो निकलते समय जो है वो स्लो स्लो निकलती है, अल्पाल्पम, धीरे धीरे निकलती है पानी, वो धीरे धीरे निकलता है ना, उसी प्रकार कोप का ये है। अब ये एग्जाम्पल जो दिया है शास्त्रकार ने, जब जब एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसे ही नहीं देते, उस एग्जाम्पल में सब कुछ रहता है उस कोप के बारे में। जैसे बाढ़ आती है नदी की और पूरा पानी शहर में जाता है तो पूरा नुकसान हो जाता है, जहां जहां आपने सामान रखा है वहां वहां नुकसान हो जाता है, और नुकसान होने के बाद जब बाढ़ जाती है तब भी बहुत समय तक उस गांव में, उस शहर में ठीक ठाक नहीं हुआ रहता है ना, पानी कहाँ तो रहा रहता है, कहीं तो पानी के वजह से कुछ नुकसान हुआ रहता है, कहीं तो पानी के वजह से कुछ रोग फैल जाते हैं, हाँ, कभी तो बार को पानी के वजह से कुछ दूसरे व्यापद आ जाते हैं, है ना, नुकसान कुछ अलग ही होता है। तो इसी प्रकार शरीर में भी वैसा ही है, जब वात प्रकोप हो जाएगा तब वो वात प्रकोप क्या करेगा, वात प्रकोप हो, पित्त प्रकोप हो, कफ प्रकोप हो, कोई भी, तो प्रकोप हो जाएगा तो क्या करेगा, शरीर में, पूरा शरीर में फैल जाएगा, और धातु, जहां धातु शैथिल्य है, जहां धातुओं का बल कम है, जहां धातुओं में खवैगुण्य है, जहां स्रोतसों में खवैगुण्य है, अवयव में किसी विकृति है, ऐसे जहां जहां जिसको उसको चांस मिलेगा वहां वहां वो शरीर में दृष्टि करेगा, वहां वहां शरीर में कुछ नुकसान करेगा, हाँ, वो प्रकोप, और फिर जब जाएगा तो वो नुकसान वैसे की वैसा रहेगा, नुकसान जो है वैसे की वैसा रहता है, उस नुकसान से कुछ अलग चीजें हो जाती है। उसी प्रकार ये जो उदाहरण है उन्होंने दिया है, और ये दिखता है, जैसे राजे, जैसे टीबी का पेशेंट रहता है, उसने ट्रीटमेंट दी, वो टीबी ठीक हुआ, फिर ठीक होने के बाद उसका शरीर मूल वैसे के वैसे रहता है क्या, नहीं रहता, कुछ अलग बीमारियां रहती है, बल हानि रहती है, कुछ तो रहता है ना। तो ये इसीलिए उन्होंने जलोघवत उदाहरण दिया है, ठीक है। आगे शास्त्र में कहीं भी, कहां भी
जो जो कुछ उपमा उपमेय संबंध है आप उदाहरण दिया होगा तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट उदाहरण दिया रहता है। उस उदाहरण का जो कुछ मायना है सब सब कुछ वो सभी पूरा मायना जो है उस जिससे जिसके साथ उसने कंपेयर किया है उसको लगता है। ऐसा चलो आगे जाएंगे। सर्वांग सुंदर मलहा कुपिता सहसा, तो मल जो है वो कुपित होते हैं, सहसा मीन्स झट से, मल मीन्स दोष, शीघ्र में वो झट से आपाद तल मस्तकम व्याप्नोति कि पूरा शरीर भर वो व्याप्त होते हैं। पाद तल आरभ्य यावत मस्तक पर्यंतम इति अर्थः कि पाद तल जहां से चालू होता है वहां से लेकर मस्तक तक इतना उसका अर्थ होता है, मींस पूरे शरीर में। आंग मर्यादा अभिविधो विभक्ते है अर्थे है अव्यय भाव समासः, तो ये आपद तल मस्तक जो है वो अव्यय भाव समास है, इसमें जो उपसर्ग है वो आ उपसर्ग है, हमने उपसर्ग पढ़े हैं, है ना, प्र पर अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर्वी आनि आदि अभिपतित सुत अभिप्रति परियुप, ये 22 उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग को ही अव्यय बोलते हैं, या अव्यय जिस पद में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अव्यय भाव समास रहता है ना। तो ये अभिविधो भक्ते अभिविधो विभक्ते है अव्यय भाव, ये पाणिनीय सूत्र है, तो इसके इस सूत्र को लेकर ये जो समास बना है कौन सा, आ पाद तल मस्तकम, ये पूरा शरीर भर इस प्रकार के उसका अर्थ होता है। निवर्तते मीन्स पुनर्अल्पम, स्तोकम स्तोकम इति कि जो पानी निकल जाता है, जब दोष निकल जाते हैं शरीर से तो वो निकलते समय धीरे धीरे निकलते हैं, आते समय झट से आते हैं, ऐसा बोलना है उनका, क्योंकि जब दोष प्रकोप हो जाता है शरीर में तब शरीर में अगर धातु बल अच्छा नहीं हो, धातु बल अगर आपका अच्छा नहीं हो, आपके धातु अच्छे नहीं हो तो वो प्रकोप जो है उस धातु को दुष्ट कर व्याधि होती है, उसको दोष दुष्य संरचना बोलते हैं। दोष दुष्य संरचना को ये सभी चीजें, सिर्फ वात प्रकोप होगा ना तो व्याधि नहीं होगी, सिर्फ वात प्रकोप होगा तो वात वृद्धि के आपको लक्षण दिखेंगे, व्याधि नहीं होगी, पर जब तक आपके शरीर में कोई धातु इन्वॉल्वमेंट नहीं आती, किसी का अगर मांस धातु खराब है, मांस धातु में शैथिल्य है, कोई दूसरे धातु में कुछ प्रॉब्लम्स है और वात प्रकोप हुआ है तो दोष दुष्य संमूर्छना होती है और व्याधि निर्माण होता है, ठीक है। तो निकलते समय वो स्तोकम स्तोकम धीरे धीरे, स्तोकम धीरे धीरे वो कम हो जाता है। जलोघवत, जलोघवत मीन्स यथा गिरी नदी नाम जलपूरा, जैसे पर्वतों की नदी है उनको जलपूर आता है, सम विषमम सहस्यैव प्राप्नोति, वो क्या देखती नहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं देखती, वो पूरा का पूरा फैल जाती है, वो बाढ़ जो है वो प्राप्नोति। उसी प्रकार ये जो दोष प्रकोप है वो कुछ देखता नहीं, पैर में जो होना है मुझे, हाथ में होना है, कुछ नहीं, वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है इस प्रकार से। और निवर्तते तु स्तोकम स्तोकम इति, और धीरे धीरे वो कम होता है। आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि टीका, प्रकोप प्रशम यो हो, प्रकोप और प्रशम जो है दोनों वो क्षिप्र, क्षिप्र मीन फास्ट, चिर मीन धीरे, निष्पाद्यत्वम आह, इसका इसकी हम इसके बारे में हम बता रहे हैं, प्राप्नोति थी। सहसा मीन्स वेगेन, मलो मीन्स दोषः, अल्पाल्पम मीन्स चिरेन धीरे धीरे, जलोगवत मीन्स नदी पूर्ववत, सही वेगेन वर्धते, तो ये एकदम स्पीडली जा होता है। आपने बाढ़ देखी होगी, हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, तो जब तक मैं वो पानी भर रहा था, एक नीचे के सोसाइटी में पानी भर रहा था और वो फोटो निकालने के लिए मैं गया, बाढ़ का फोटो निकालने के लिए गया कि बाढ़ कितनी बाढ़ आई है, और जब तक मैं ऊपर आया था तब तक मेरे सोसाइटी में पानी भरा था, इतने 20 मिनट में वो पानी इतना भरा कि पूछे सोसाइटी वाले, बोला कि आप गए कैसे बाहर, निकले कैसे, बोला मैं चलते गया, अरे देखो नीचे, नीचे गया तो मैं पहले फ्लोर तक पानी था, तो इतना स्पीडली वो जो है जलोगवत हो जाता है, स्पीड में होता है इस प्रकार से। सही बोला। हाँ सर, तुम्ही म्हणजे आता मध्ये मध्ये संस्कृतचं पण विश्लेषण करताय,
तर ते तुम्ही कधी शिकवलं, म्हणजे हे असं शिकवता शिकवता शिकवलं की वेगळे त्याचे तुम्ही वर्ग घेतले संस्कृतचे? म्हणजे मी शिकलो शिकवलं की दुसऱ्याला? आणि आता तुम्ही असं म्हणालात ना, आता हे जे आरभ्य वगैरे हा शब्द आला तेव्हा अव्ययी भाव आहे म्हणून, तर ते हे शिकवता शिकवता संस्कृत घेतलंय की वेगळं असं वेगळं, पण जसं आता हा अष्टांग हृदयाचा वर्ग आहे तसा ते पण संस्कृतच्या वेगळे वर्ग पूर्वी घेतले घेतलेत होते? वर्ग मी, अच्छा, हा तेच संस्कृतचे विचारते. घेतलेले आहेत वर्ग. येता आपल्या अच्छा, ग्रुपमध्ये, ग्रुपचं म्हणून नाव त्यासाठी देव आणि संस्कृत आहे. पहिले संस्कृतचं हा शिकवण्यासाठीच ग्रुप काढलेला, मग ते पहिले 3 मिनिट दोन हा मिनिट हा शिकवलं, नंतर गॅप पडायला लागले, टायमिंग मॅनेज होईना, पण काही एक वर्ग मी पूर्ण 4-5 महिने घेतलेला आहे मी असं. अच्छा सर, कुठपर्यंत घेतलं होतं? कुठपर्यंत म्हणजे त्याला काही लिमिटच नाही सर संस्कृतला, काय शिकवेल हा तेवढं हा कमी म्हणजे तरी म्हणजे असेल, बऱ्यापैकी बेसिक घेतलं होतं ना तुम्हाला म्हणजे, वाचता येईल. विषय काय परत येतो सर तर परत संस्कृतचा, विषय काय परत येतो, थोडं थोडं घ्या ना. हा विषय काय येतो, तर तुम्ही हे बोलताय, पण काय होतो विषय की मी शिकवेन, पण तेवढा तुम्हाला जास्त अभ्यास करावा लागतो. ती भाषा आहे ना, ती नवीन भाषा शिकायची आहे ना, होय होय, नवी भाषा राहते तो त्याचे त्यामुळे श्लोक ते पाठ करावे हा लागतात. ती काय राहते, हा तुम्ही 2 दिवस कराल, 4 दिवस कराल, 1 महिना कराल, दुसऱ्या महिन्यात तुम्ही कंटाळाल. ती कन्सिस्टन्सी पाहिजे, ती होत नाही लक्षात, आणि म्हणून प्रॉब्लेम येतोय. सर सर अर्धा तास शिकवा ना, मिनिमम अर्धा तास शिकवा ना. बघू आपण प्रयत्न करू जरा वेळ वेळ काढून. हा हा तुम्हाला हा म्हणजे जसा वेळ मिळतो, आता एकदम आग्रह नाहीये पण जेव्हा जमेल तसं. पण काय सांगू तुम्हाला, असं काय शिकवायची पण काही गरज नसते. तुम्ही काही पुस्तकं तुम्ही सुरू ज्यावेळी कराल, आप जब भी कोई भी कुछ भी पढ़ना हो सीखना हो तो आप उसके, अभी संस्कृत पढ़ना है आपको तो उसके बारे में जो जो बुक्स है हाँ जो जो मिलते हैं, चाहे 8वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, जो भी मिलते हैं यूट्यूब पे है, ये है वो है, जितना वो आप कलेक्ट करते जाओगे कलेक्ट करते जाओ, ऐसे ऐसे सीख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात है. तो उसमें फिर कुछ अड़चने आए, उसमें कुछ लगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो पूछा, तो बहुत अच्छा होता है. होता क्या है, स्पून फीडिंग हो जाता है कुछ सब कुछ. भाषा जो है वो सुनने की और पढ़ने की चीज है. जब तक आप सुनोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तो भाषा नहीं आती. होता क्या है, मैं जब पढ़ाऊंगा और आप जो सुनेंगे तो वो कैसे भाषा सिखाई जाएगी. वैसे हम मराठी नहीं सीखते, बच्चे को कभी बताते नहीं कि ये समास है, ये ऐसी संधि है, ये विग्रह है, ये व्याकरण, ऐसे सिखाते नहीं. फिर भी मराठी आती है ना, पूरा जिंदगी भर उन्होंने कभी मराठी व्याकरण नहीं पढ़ाया तो भी तो वो मराठी अच्छी तरह बोल पाता है ना, क्योंकि वो मराठी में सुनता है, मराठी सुनता है, बोलता है, उसके बारे में सोचता है. ये भाषा के बारे में होना चाहिए. भाषा अगर पढ़ाई जाएगी तो वो एक विषय के तौर पर ही रहेगी, ऐसा होता है. ठीक है, तो वो अलग बात. ओके यस. तो ननु हाँ, सही वेगे न वर्तते चिरे न रहसते ना? तो ये जो वेग है वो वेगे न वर्तते, फास्टली वर्धन होता है और धीरे धीरे उसका ह्रास होता है, धीरे धीरे वो कम होता है. ननु प्रतिरोगम, प्रत्येक रोग जो है वो निदान लक्षण चिकित्सा चिकित्सितम अनंत्यात वक्तुम अशक्यम. तो प्रत्येक रोग जो है उसका निदान लक्षण चिकित्सा, ये जो है निदान लक्षण चिकित्सा जो है उसको अनंत्यात, अनंत है. हर एक रोग का निदान अलग है, हर एक रोग के लक्षण अलग है, हर एक रोग की चिकित्सा अलग है, अलग है ना. तो प्रत्येक रोग के बारे में इधर बात करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये सूत्र स्थान है ना, ये सूत्र रूप से ही इधर बोलना चाहिए. आपको उस पांडु पढ़ना है तो पांडु के निदान में जाओ, वहां उसका निदान दिखेगा. चिकित्सा स्थान में जाओ, उसकी वहां चिकित्सा दिखेगी. तो यहाँ सभी रोगों के बारे में बोलना जो है वो अशक्य है, युक्त नहीं है. तच्च विदन्न कश्चित अत्र यथाह यत्नम कुर्याद इति आशंक्या आह. तो कश्चित अत्र, थोड़े बहुत जो मुख्य मुख्य विषय है, तो ये जो है यथा यत्नम, प्रयत्न करके हम, जैसे हम प्रयत्न करेंगे, यत्नम कुर्याद, प्रयत्न करके जो है आशंक्या आह, यहाँ उसकी हम जो है चर्चा करेंगे कि मूल सिद्धांत जो क्या है उसकी हम सिद्धांत, इसकी हम चर्चा करेंगे, ऐसे बोल रहे. हर एक व्याधि यहाँ लेना जो है
वो शक्य नहीं है। तत्च विदन्न, ये क्या है ये समझ में आया, अदन्न कश्चित अत्र देखेंगे, ठीक है। हाँ अब श्लोक क्रमांक 30, ये श्लोक करेंगे और रुकेंगे, हाँ एक घंटा हुआ। नाना रूप ही, अनेक रूप है उनके द्वारा, तृतीय बहुवचन, हाँ नाना रूप ही अनेक रूपों के द्वारा, असंख्य रूप ही असंख्येयी असंख्या उनके द्वारा, यही विकारई मीन्स विकारों के द्वारा, तो नाना रूप है, नाना संख्या है और नाना विकार है। कुपिता मलाह, कुपित मल जो है उसके तापयंती, तो ये क्या करता है, कुपित मल जो है तापयंती किसको, तनुम, तनु ये द्वितीय है तो वो कर्म है, तो मलाह तापयंती तनु, मला जो है वो तनु को तापयंती, तापयंती मीन्स दर्द देते हैं, है ना, कैसे दर्द देते हैं, मल कैसे है, कुपिता मलाह, और दर्द कैसे देते हैं, किस प्रकार से, नाना रूप ही नाना रूपों के द्वारा, नाना संखों के द्वारा, नाना विकारों के द्वारा वो क्या करते हैं, शरीर को दर्द देते हैं, शरीर को दुखित करते हैं। तस्मात तद हेत्वाकृति साधनम, और उसके द्वारा, तस्मात मीन्स पंचमी एक वचन, तस्मात वहां से उसकी हेतु कृति और साधन जो है, शक्यम न एक एकशो, तो उसका जो हेतु है, आकृति है और साधन जो है वो एक होना, न एक एकशो, वो एक ही जैसे होना, वक्तुम मताह न शक्यम, तो ये बताना ये एक ही है, मीन्स एक ही उसके आकृति हेतु और साधन जो है वो एक ही, इसमें बताना जो है वो शक्य नहीं है। वक्तुमतः सामान्यम उच्चते, अतः सामान्यम उच्चते, इसीलिए हमने जो है वो जनरलाइज जो है बताया है, हाँ एक जनरलाइज क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट जो है हमने बताया है, सभी का सेपरेट सेपरेट बताना अशक्य है। सर्वांग सुंदर यत तदो नित्य संबंधात यस्मादिति लभ्यते, तो इसका नित्य संबंध है मलों का, मीन्स मल में दोषों का, और ये सब रूप सॉरी आकृति साधन ये सब इनका क्या है, नित्य संबंधात यस्मादिति लभ्यते, इसीलिए यस्माद ये शब्द हमने किया है वहां से, इस प्रकार से यस्मात नाना रूपै ही अनेक प्रकारों से, अनेक प्रकार ही असंख्ययी गणना समतीतय ही, तो गणना मीन्स काउंटिंग जो है वह समतीतय ही असंख्य है गणना, बता नहीं सकते, वात के अनेक प्रकार है, कप के सॉरी वात व्याधि के अनेक प्रकार है, ज्वर के अनेक प्रकार है, रक्तपित्त अनेक है, उल्म अनेक है, तो ये संख्या जो है वह असंख्यय ही है ना। विकार ही ज्वरादि भी, ज्वरादि भी जो है तृतीय बहुवचन, ये विकार जो है वह असंख्य है। मलाहा वात पित्त श्लेष्माणा, तो मल जो है मीन्स दोष जो है वात पित्त श्लेष्मा, कुपिता तनुम देहम तापयंती दुखयंती, तो कुपित है, कुपित जो है वो देह को तापयंती दुख देते हैं। तस्मात तद हेतु आकृति साधनम शक्यम न एक एकशो वक्तुम, तो इसका उसकी आकृति साधन, साधन मीन्स हेतु, साधन मीन्स जो कुछ है चिकित्सा, सॉरी साधन मीन्स चिकित्सा, उसकी साधन आकृति हेतु ये जो है वो एक ही इसमें बताना अशक्य नहीं है, शक्य नहीं है। अयम अस्य विकारः हेतुर इयम आकृति इदम लक्षणम इदम अस्य साधनम चिकित्सम इति, तो यही विकार है, यही हेतु है, यही लक्षण है। अयम विकारः, अयम इदम हेतु, इयम आकृति, हाँ यही आकृति है इसकी, यही उसका रूप है, यही उसका हेतु है, ये जो है और इदमस्य साधनम, और ये इसका साधन है, ये इसकी चिकित्सा है, ये बताना जो है शक्य नहीं है इस इधर, तो अतः सामान्य मुच्यते, इसलिए हम अभी जनरलाइज बताएंगे अगले श्लोक में। आयुर्वेद रसायन अतः हेतु तद विशेषाणाम निशेषम
निरूपयितुम अशक्यत्वात् सामान्यम वाच्यम। तो ये विशेष विशेष जो है बताना, विशेष मीन्स क्या, देखो मैं लघु लघु गुण ले लिया या फिर लंघन किया तो वात वृद्धि होगी, बराबर है ना, पर मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है, ऐसी मैं कुछ चीजें करूंगा कि मुझे मन्या स्तंभ ही होगा, कटी ग्रह ही होगा, भ्रुद्रसी ही होगी, कुछ विशेष निदान रहते हैं वात, विशेष वात व्याधियों के, विशेष रोगों के विशेष निदान रहते हैं। सामान्य तो बोल दिए हमने, तो विशेष जो है यहाँ सब कुछ बताना जो है वो शक्य नहीं है। तदेव नाना रूपै ही इति, कि नाना रूप है। विकाराणाम असंख्यत्वम, विकार जो है असंख्यत्व है। प्रतिकारम च रूपाणाम, और प्रतिकार भी है वो भी असंख्य है। अतः तद हेत्वादि प्रकृति विकारम वक्तुम अशंक्यः, तो ये सब अशक्य है, इसलिए साधारण तो उच्चते, साधारण जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हम इसके बारे में बताएंगे, बोलेंगे, ठीक है, रुकेंगे। यस सर। थोड़ा ये होता है इतना पढ़ने के बाद, है ना, कि अरे क्या कितना पढ़ लिया, ऐसा हो जाता है ना, और ये महत्वपूर्ण है। जब जब आप जब पूरे टीका धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तब कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि अरे ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सी चीजें जो है वो ट्रांसलेशन में आपको मिलेगी नहीं कोई भी बुक के, बहुत सी चीजें उस समय में वो आएगी चीजें ट्रांसलेशन में मिलेगी नहीं, कि कौन सा भी ट्रांसलेशन लाओ। तो इसीलिए मूल ग्रंथ पढ़ना महत्वपूर्ण है। अरुण दत्त को क्या लगता है, मतलब अभी जो आगे आगे जो श्लोक आएंगे ना, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी। ठीक है, चलो रुकेंगे, ओके।